ईरान और इजराइल दुनिया के दो कट्टर दुश्मन जिनकी लड़ाई पिछले 10-12 साल नहीं बल्कि कई दशकों से चलती आ रही है और दोनों ही देश स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत पिछले 3-4 सालों में ईरान के मुकाबले इसराइल के ज्यादा क्लोज रहा है, लेकिन ईरान के सस्ते क्रूड ऑयल चाबार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और यूरेशियन मार्केट तक पहुंचने की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो सबको ही पता है। अब हाल ही में ईरान और चाइना के बीच पिछले शनिवार को एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत चाइना अगले 25 सालों में ईरान के ऑयल गैस एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में $280 बिलियन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में $120 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस पैक्ट में दोनों देशों के बीच मिलिट्री टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने की भी बात की गई थी और खास रूप से ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजेस, वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दिया गया था, जिस पर अब इसराइल ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसराइल में आज के समय पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पर जनरल इलेक्शन में बिजी है, लेकिन इस पर आपत्ति जताने के लिए सामने आए हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेज की इंटेलिजेंस विंग के पिछले चीफ एमोस यदलिन। दरअसल वाइडनेट न्यूज, स्पुतनिक इंटरनेशनल और कुछ मीडिया हाउसेज के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले इजरायली डिफेंस फोर्सेज की इंटेलिजेंस विंग के चीफ ने ईरान और चाइना के बीच हुए एग्रीमेंट पर अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि चाइना और ईरान के बीच साइन हुआ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और खासकर उसका मिलिट्री कोऑपरेशन सेक्शन इसराइल के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि इस पैक्ट का सबसे चिंताजनक क्लॉज ही इंटेलिजेंस शेयरिंग का है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर चल रहे विवाद में भी चाइना ईरान को अपना पूरा डिप्लोमेटिक समर्थन दे रहा है। फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस चीफ ने यहां तक कह दिया कि एक तरफ चाइना कहता है कि वो ईरान द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का विरोध करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है और उल्टा जो अमेरिका ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना उसके खिलाफ जाकर ईरान को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब कि अमेरिका जो ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए इतने सैंक्शंस लगा रहा है, ईरान की क्रूड ऑयल सेल्स को प्रभावित कर रहा है, जितना भी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल प्रेशर बिल्ड कर रहा है, चाइना उसको कम करने में ईरान की पूरी तरह मदद कर रहा है। इजरायली इंटेलिजेंस विंग के पिछले चीफ एमोस यादलिन आज के समय इसराइल के ही एक बड़े थिंक टैंक इसराइली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के भी हेड हैं, इसीलिए उनकी ये स्टेटमेंट काफी मायने रखती है। अभी से ये चीज तो साफ हो जाती है कि क्यों डिफेंस टाइज को लेकर इसराइल चाइना पर कभी भी विश्वास नहीं करता है और ना ही आगे कभी करेगा। वहीं भारत की बात करें तो कुछ महीने पहले जब भारत और चाइना का LAC विवाद अपने चरम पर था, उस वक्त भारत में इसराइली एम्बेसडर रॉन मालका ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि इसराइल किसी भी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बस बात इतनी है कि भारत इसराइल का बहुत ही कीमती दोस्त है और भारत को अपनी सुरक्षा करने के लिए जो भी हथियार चाहिए होगा इसराइल उसको हर कीमत पर मुहैया करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान और चाइना के इस एग्रीमेंट से इसराइल चाइना से एक और कदम दूर चले जाएगा। वैसे तो ईरान भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं, ईरान या फिर इसराइल को, या फिर ईरान और इसराइल दोनों को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।